हाय गाइस, यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एनके गुप्ता स्मार्ट एजुकेशन एंड दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त एनके गुप्ता। आप सभी का आपके अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई मीन मोस्ट वेलकम, हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। दिस चैनल प्रोवाइड्स all educational content to students of biology and makes a study learning oriented with a romantic cures. तो अर्ज किया है, क्यों दौलत शोहरत का रौब दिखाते हो? क्यों दौलत शोहरत का रौब दिखाते हो? जानते हैं पापा आज प्रिंसेस हो, पापा की राजकुमारी, जो मन आए खरीद सकते हो। तो कहां चल रहे थे? क्यों दौलत शोहरत का रौब दिखाते हो? हमारी कीमत तुम न लगा पाओगे। क्यों दौलत शोहरत का रौब दिखाते हो? हमारी कीमत तुम न लगा पाओगे। एक बार दिल से चाहो और तोहफे में मांगो, एक बार दिल से चाहो और तोहफे में मांगो। हमें ना कोई शिकवा होगी ना दर बदर इश्क की पैमाइश करेंगे, एक पल में दुबारे हो जाएंगे। हमें न कोई शिकवा होगी ना दर बदर इश्क की पैमाइश करेंगे, एक पल में तुम्हारे हो जाएंगे। मैडम को अब चांद चाहिए। तुम्हारी फरमाइश ही पूरी नहीं होती, कहां से लाओ चांद? तो क्या शेर चल रहा था, शायरी क्या चल रही थी? भुलवा देते हो, बड़ी मुश्किल से बनाता हूँ, इतनी मेहनत कर करूंगे। तो कहां चल रहे थे हम? रिदम बनाने दो। हमें ना कोई शिकवा होगी ना इश्क की दर बदर पैमाइश करेंगे, एक पल में तुम्हारे हो जाएंगे। कहते हैं पलक पे जो सितारे हैं उनके टूटने पर मांगो तो मुरादें पूरी होती हैं। तुम भी शिद्दत से मांगो, तुम भी शिद्दत से मांगो, चांद भी मांगोगे तो हम उस कायनात के टूटे हुए सितारे हो जाएंगे। तो कैसा लगा? मजाक खत्म, टॉपिक शुरू। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 12th सीबीएसई, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एंड सेम चैप्टर इज हियर इन क्लास 12th RBSC by the name Reproduction in Angiospermic Plants। तो हाँ जी, दोनों ही बोर्ड के लिए काफी फायदेमंद है जो चैप्टर चल रहा है। एंड आवर टॉपिक इज गोइंग ऑन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक बार आप सीन कर लें अच्छे से। जैसे मैंने पहले भी डेफिनेशन से आपको परिचित करवा दिया है, तो हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अगर हम आरबीसी में चर्चा करें तो टू टाइप्स मौजूद हैं। फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस एंड सेकंड है इंड्यूस्ड। हाँ जी, यहां जो लिखे हुए हैं वही है, सेम है। स्पॉन्टेनियस को ही नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है, और जो इंड्यूस्ड है उसी के लिए आर्टिफिशियल हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से कहूं, प्राकृतिक अथवा स्वतः है कायिक प्रवर्धन, और जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है प्रेरित अथवा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो सीबीएसई में जो आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है उसकी चर्चा नहीं की गई है, कोई बात नहीं। जो सीबीएसई वाले हैं वो, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अगर आप देखेंगे तो, आरबीएससी 12th RBSC हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के नाम से भी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो RBSC के सीन कर सकते हैं, और इसी तरह से RBSC की 11th के लिए और 12th CBSC के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो CBSC के स्टूडेंट हैं, जो अगर इच्छुक हैं, जो चाहते हैं कि वो आर्टिफिशियल मैकेनिज्म भी जो है वॉच करें, तो
आप वो सीन कर सकते हैं, इजीली आपको दिखाई दे जाएंगे। मैं आगे बात करता हूं, जैसे मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम इसका जिक्र कर चुका था, और वहां मैंने अलग अलग टू कैटेगरीज बताई स्टेम की, जहां एक अंडरग्राउंड स्टेम और एक सब अंडरग्राउंड स्टेम। तो जो फोर अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, जिनमें राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर और बल्ब, हम इन फोर टॉपिक्स की वहां चर्चा कर चुके हैं। एक बार आप सीन कर लें, जैसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैंने बताया, स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म चलता है, प्रकृति में स्वतः होता है, नेचर खुद ही जो है जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो नेचर में अपने आप चलती हैं, उनमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम अगर बात करें अंडरग्राउंड स्टेम की, तो जैसे फर्स्ट टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है राइजोम, राइजोम के मैंने बारे में बता दिया था, राइजोम के एग्जांपल्स से आपको परिचित करा दिया। राइजोम को ही प्रकंद कहा जाता है, आपको जैसे जिंजर का काफी अच्छा सा एग्जांपल जो है ये आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। इसी तरह से कॉर्म, कॉर्म जो है कॉर्म में मैंने आपको कॉर्म को घनकंद कहा जाता है, कॉर्म के बारे में कॉर्म के एग्जांपल और जो कॉर्म का डायग्राम है मैंने आपको इन सभी से परिचित करवा दिया है। इसके बाद बात करें ट्यूबर या कंद की, तो हम ट्यूबर के बारे में कर चुके थे, इसमें एक सिंगल एग्जांपल सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो आता है, डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ। इसी तरह से हम बात करें बल्ब्स, बल्ब जो है मैंने बल्ब की क्या डेफिनेशन है, बल्ब का एक तरह का जो ट्यूनिकेटेड बल्ब है उसका डायग्राम, मैंने टू टाइप्स जो है बल्ब के आपको इन सभी से मैं परिचित करवा चुका था, इनके एक एक दो दो मैंने एग्जांपल जो है वहां बता दिए। आज जो हमारे टॉपिक होंगे वो होंगे सब अंडरग्राउंड स्टेम्स, जिन्हें हम अवभूमिगत स्तंभ या अवभूमिगत तने भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्राउंड लेवल के जस्ट आसपास मिलेंगे, या तो जस्ट बिलो द ग्राउंड लेवल या जस्ट अबाउ द ग्राउंड लेवल। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो एक्वेटिक हैं, तो वहां ग्राउंड लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो या तो वाटर सबमर्ज आपको देखने को मिलेंगे वो, या आपको जो है वो फ्लोटिंग स्टेट में देखने को मिलेंगे। जिनमें हम फॉर जिन टॉपिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं, एक बार वो टॉपिक आप सभी सुन लें, जिनमें फर्स्ट होगा रनर, सेकंड सकर, थर्ड स्टोलन और फोर्थ ऑफसेट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, रनर को ऊपरी भूस्तरीय भी कहा जाता है, सकर को अंतः भूस्तरीय भी कहा जाता है, स्टोलन को भूस्तरी और ऑफसेट को भूस्तरी का भी कहा जाता है। तो अब क्या है ये और क्या इनमें डिफरेंस है, क्या इनके अंदर एग्जांपल्स हैं, तो वो इजीली डायग्राम आप अच्छे से क्लियर कर ले बस अपने, आपको चारों में जो टॉपिक है, चार प्रकरण हैं, उन चारों का बहुत अच्छे से समझ में आ जाना है। जितने एग्जांपल है उनको आप नहीं छोड़े, एक को भी बहुत अच्छे से लर्न कर ले, क्योंकि जो एग्जाम्पल है वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिले हैं। जैसे आज मैं नीट में पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोई सोचता है स्टूडेंट की फर्स्ट चैप्टर तो कोई काम का नहीं है, तो बता दिया जब बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हर साल आए हुए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर बहुत काम का है। आज मैं उनकी थोड़े जो क्वेश्चन है उनकी मैं यहाँ चर्चा करने वाला हूँ, तो आप बने रहे हमारे साथ। जिसमें कोई पूछे व्हाट इज रनर, तो सीधा सिंपल सा जवाब है, रनर और जो स्टोलन है दोनों में रिजेम्बलेंस है, दोनों ही थिन है, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, प्रोस्ट्रेट है और क्रीपिंग स्टेम है। मैं फिर से बोलता हूं, रनर्स आर थिन, लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, प्रोस्ट्रेट एंड क्रीपिंग स्टेम। मतलब क्या है, तो वो आप सभी बखूबी जानते हैं, थिन पतला सा है, लॉन्ग लंबा है, सिलिंड्रिकल बेलन के जैसा है, बेलनाकार है, प्रोस्ट्रेट शान अवस्था में जो ग्राउंड लेवल है उसके साथ लेटा हुआ, आपको ये मैं कहूँ कुछ इस तरह से कहूँ हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरह से ना होके जो स्टेम है वो इस तरह से और ग्राउंड लेवल के, हाँ जी, जो रनर है वो लाए अबाउट दी ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ में रन करता है, इसी की वजह से नाम दिया गया रनर। जो रनर है उसके जो इंटरनोड्स हैं, हाँ जी, उन्हें ही मॉडिफाइड इंटरनोड्स को ही रनर कहा जाता है, जो टू नोड्स के बीच मौजूद हैं। जो नोड्स हैं,
हाँ जी, अब उसके ऊपर इसका मतलब स्टेम के ऊपर क्लियर नोड और इंटर नोड आपको दिखाई देंगे। जो नोड्स हैं उनके ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड हैं, जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं वही वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का मेन रोल अदा कर रहे हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी रेनी सीजन में, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी ग्रासेस जो है वो निकल के स्प्राउटनिंग कर लेती हैं और तुरंत जो है वो निकल के आ जाती हैं। जो आपको ड्रॉट सीजन में या विंटर सीजन में जो है हाईली विंटर कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंड है या ड्रॉट कंडीशन है समर में, तो वो आपको देखने को नहीं मिलती। हाँ जी, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन उनके जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है जिन्हें रनर कहा जाता है, वो परनेटिंग कंडीशन के अंदर बने रहते हैं, परनेटिंग चिरकालिक अवस्था में काफी लंबे टाइम के लिए। और जैसे ही वातावरणीय परिस्थितियां होंगी अनुकूल, जैसे ही मौसम अच्छा होगा, बारिश होगी, मॉइस्चर अच्छा होगा, पानी अच्छे से मिलेगा प्लांट्स को, तो वो जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जिन्हें अभी यहाँ रनर कहा जा रहा है, उनकी जो एडवांटेज बर्ड है, एक बार आप सीन कर ले डायग्राम, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये जो नो ये क्लियरली आपको ये इसके ऊपर दिखाई दे रहा है ये रन करता हुआ। जैसे मैंने कहा रनर्स आर लॉन्ग थिन, पतला है, लंबा है, सिलिंड्रिकल आपको बेलन जैसा या इस स्टिक जैसा नजर आ रहा है। इसके बाद मैंने कहा प्रोस्टेटल लेटा हुआ है इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और मैंने कहा क्रीपिंग स्टेम है, रन कर रहा है और साथ में रेंग रहा है इसके ऊपर, इसलिए क्रीपिंग स्टेम कहा जा रहा है, क्रीपर। और दिखाई दे रहा है लाइज जस्ट अबाउट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के जस्ट ऊपर आपको नजर आ रहा है। और नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइड है पूरा, आपको जैसे ये बहुत सारे जो है नोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नोड्स के ऊपर ही एडवेंटिशियस बर्ड मौजूद है और इनके बीच का जो पार्ट है या पोर्शन है इसे ही इंटर नोड कहा जाता है। अब यही मॉडिफाइड इंटर नोड ही कहलाता है रनर, यही रनर है, इसे लिखा हुआ रनर, या सीन हो रहा है अच्छे से, यही रनर है मॉडिफाइड स्टेम्स इंटर नोड। और ये नोड जो है इन्हीं के ऊपर, मैंने कहा नोड्स के ऊपर ही एडवेंटिशियस बर्ड है लिखा हुआ है, नोड्स हैविंग एडवेंटिशियस बर्ड, जिन्हें हम अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं। तो अपस्थानिक कलिकाएं इनके ऊपर आपको देखने को मिल रही है। मैंने कहा जैसे ही एटमोस्फेयर में कंडीशन अच्छी होंगी या फेवरेबल कंडीशंस होंगी, हाँ जी सुटेबल होगा एनवायरनमेंट, रेनी सीजन होगा, तो आपको ये इन एडवेंटिशियस बर्ड से एडवेंटिशियस रूट इमर्ज होती हुई या अराइज होती हुई निकलती हुई दिखाई देंगी। इन रिड्यूस रूट के थ्रू ये, हाँ जी, ज्यादा बड़ी नहीं होती रूट, ठीक है, छोटी छोटी रूट्स हैं, ठीक है, ज्यादा जरूरत है नहीं, मोस्टली ग्रास आती है इसके अंदर, तो ज्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता, तो रिड्यूस होती हैं और एडवेंटिशियस रूट हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है एडवेंटिशियस रूट, और सॉइल के अंदर जो है फिक्स करने का काम करेंगी। यहीं से स्प्राउटनिंग होगी और स्प्राउटनिंग के थ्रू जो है आपको न्यू प्लांटलेट्स, या मैं कहूँ सीडलिंग, या मैं कहूँ ऑफस्प्रिंग, या प्रोजेनी, न्यू प्लांट या प्लांटलेट, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नेसेंट प्लांट जिसे हम नवजात पादप कह सकते हैं, हम सीडलिंग कह सकते हैं, सीडलिंग को नवोद्भिद कहते हैं हिंदी में, हम प्लांटलेट्स कह सकते हैं पादपक, हाँ जी, यंग वन कह सकते हैं, पादप का बच्चा है छोटा, ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, संतति या संतान है, प्रोजेनी है पादप की। तो मुझे लगता है अच्छे से जो है क्लियर हो चुका है। एरियल पार्ट आपको वायवीय भाग ये नजर आ रहा है और आपको नजर आ ही रहा है जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड नहीं है, वो जस्ट ग्राउंड दी अबाउट, जस्ट अबाउट दी ग्राउंड लेवल है। अगर हम एग्जाम्पल की चर्चा करें तो जैसे मैंने कहा अभी कि मोस्टली यहाँ एग्जाम्पल के अंदर ग्रासेस आपको देखने को मिलती है, जो हो सकता है मोस्टली स्टूडेंट ने ऊपर सीन कर लिए एग्जाम्पल, जिनमें आपको सेंक्रस बायोफ्लोरस जिसको स्पैरो ग्रास या चिड़िया घास के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा आपको सबसे फेमस, सबसे हॉली, सबसे पवित्र एक ग्रास जिसको दूब घास कहा जाता है, लॉन ग्रास कहा जाता है, जितने भी हिंदू जो रिलीजियस जो ओकेजन है, जैसे शादी विवाह अगर मैं कहूँ तो उनके समारोह जब होते हैं तो आपको पंडित के हाथ में जो है वो ग्रास नजर आती है, उनके थ्रू जो है वो वाटर स्प्रिंकल करते हुए नजर आते हैं, वो घास जो है वही है साइनोडोन डैक्टिलोन। इसके अलावा लेजुरस सिंडिकस जैसी भी ग्रासेस आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ लेजुरस सिंडिकस मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, अपने राजस्थान में जैसलमेर की सबसे फेमस ग्रास है, चाहे ड्रॉट कंडीशन कितनी भी आ जाए, हाँ जी समर में
बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है थार के डेजर्ट में, थार डेजर्ट राजस्थान का सबसे फेमस डेजर्ट है। बट अगर मैं कहूं जो इसके प्रोपेग्यूल हैं लेजुरस सिंडिकस के, वो फिर भी जो है बने रहते हैं सॉइल के अंदर, वो वहां से हटते नहीं है। और फिर से अगर रेनी सीजन आता है, बारिश जब आएगी, तो वापस से जो है वो लेजुरस सिंडिकस जो है स्प्राउट होती है और न्यू ऑफस्प्रिंग बना लेती है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो ऑक्सेलिस कॉर्निकुलेटा मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है, जिसे खट्टी बूटी या हम वुड सॉरल के नाम से जानते हैं। हाँ जी, इसमें जो लीव्स आती हैं वो हार्ट शेप आती हैं, थ्री थ्री के बंच में आती हैं। और मैं यहाँ एक एग्जांपल और मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि आरबीएससी के अंदर अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जबकि सीबीएसई में बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो अब मैंने यहाँ जितने भी एग्जाम्पल मेंशन किए हैं वो सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के ही मेंशन किए हुए हैं। मैं एक टेरिडोफाइट और आपको बता रहा हूं जिसे आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ, जिसका नाम है मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया। मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, जिसमें जो लीव्स आती हैं मार्सिलिया की, वो फोर के बंच में आती है, इसलिए क्वाड्रा का मतलब फोर है और फोलिया का मतलब यहाँ लीव्स से है, पिल्ला से है। तो एक बार आप एग्जाम्पल सीन कर लें अच्छे से, फोर जो यहाँ लिखे हुए हैं, हाँ जी लिखे हुए थ्री हैं, बाकी मैंने फाइव आपको काउंट करा दिए हैं। रनर जैसे भी मैंने बताया, रनर्स आर थिन लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोस्ट्रेट एंड क्रीपिंग स्टेम हैं एंड रन अबाउट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे ऊपर जो है उसके रन करते हैं। एग्जाम्पल सभी मैंने बता दिए, सेंक्रस बायोफ्लोरस जो है, साइनोडोन डैक्टिलोन, लेजुरस सिंडिकस जो यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही है, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। ऑक्सेलिस कॉर्निकुलेटा, ऑक्सेलिस वुड सोरल या खट्टी बूटी की एक और स्पीसीज आप मेंशन कर सकते हैं, ऑक्सेलिस एसिटोसेला। इसके अलावा मैंने एक टेरिडोफाइट बताया जिसका नाम है मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, जिसमें मैंने कहा कि ऑक्सेलिस की लीव्स आप एक बार सीन कर लें, ऑक्सेलिस की लीव्स बहुत किस तरह से थ्री जो है वो हार्ट शेप किस तरह से होती है आपको शायद अच्छे से नजर आ रही है, और थ्री जो बंच हैं वो नजर आ रहे हैं, ऑक्सेलिस कॉर्निकुलेटा नाम है। तो हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शकर। हाँ जी, जैसे शकर को अंतः भूस्तरी भी कहा जाता है, अब शकर और रनर में क्या है अंतर, क्या डिफरेंस है? तो जैसे मैंने कहा, लॉन्ग था, थिन था, सिलिंड्रिकल था, प्रोस्ट्रेट था, क्रीपिंग स्टेम था और जस्ट अबाउट द ग्राउंड लेवल था। अगर हम बात करें तो शुरुआती स्थिति में ये जितने भी जो सकर्स हैं ये ऑब्लिक अंडरग्राउंड ब्रांच है, इसका मतलब ये शुरुआती स्थिति में भूमिगत होती हैं। हाँ जी, ग्राउंड लेवल के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे, उससे बाहर नहीं निकलती। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जो टर्मिनल बर्ड है या मैं कहूं जो एडवेंटिशियस बर्ड हैं जो नोड्स के ऊपर मौजूद होंगी, वहां से पहले शुरुआती स्थिति में एडवेंटिशियस रूट निकलेगी और जो ब्रांच है ओब्लिक ब्रांच वो इस सॉइल को पेनिट्रेट करते हुए जो है वो बाहर निकल आती है। और जब तक वातावरण में नमी नहीं है, मैं कुछ इस तरह से कहूं, समर सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है और ड्रॉट कंडीशन है, सूखा पड़ रहा है, या मैं कुछ इस तरह से कहूं विंटर है, विंटर्स, हाँ जी सर्दी पड़ रही है बहुत ज्यादा और हाईली कोल्ड वेदर है, बहुत ही ठंडा मौसम है, तो आपको ये प्रफुल्लित होते हुए या मैं कहूं स्प्राउटिंग करते हुए दिखाई नहीं देंगे। जब कंडीशन होंगी अच्छी, जैसे मैं कहूं स्प्रिंग सीजन आए, वसंत का मौसम आए, या मैं कहूं सावन का सीजन आए, रेनी सीजन में कहूं, हाँ जी बारिश का सीजन आए, तो आपको बहुत ज्यादा जो है इस तरह से बहुत सारी ग्रासेस और बहुत सारे के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे अगर हम शकर की बात करें तो उसमें क्रिसेंथेमम आता है, क्रिसेंथेमम कोरोनेटियम गुलदाउदी, तो इस तरह के जो है बहुत सारे के प्लांट आपको स्प्राउटिंग करते हुए रेनी सीजन में या स्प्रिंग सीजन में दिखाई दे जाएंगे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऑब्लिक ब्रांच है जो शकर है वो अंडरग्राउंड जो पार्ट है मेन प्लांट बॉडी का उससे निकलती हुई नजर आएंगी और सॉइल को पेनिट्रेट करते हुए बाहर आ जाती हैं। अदरवाइज ये जब ही होगा जब फेवरेबल कंडीशन होंगी, अदरवाइज ये परनेटिंग कंडीशन के अंदर बने रहते हैं। हाँ जी, ये इसका मतलब जो है डोरमेंट बने रहेंगे ये, जब तक ड्रॉट है या हाई कोल्ड वेदर है, ये
ये स्प्राउटिंग नहीं करते हैं। तो एक बार आप सीन कर ले, जैसे डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्रिसेंथेमम कोरोनेरियम का ही डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे नीचे नजर आ रहा है फिगर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्रिसेंथेमम कोरोनेरियम थ्रू सकर, कोरोनेरियम लिखा हुआ है, क्रिसेंथेमम कोरोनेरियम स्पीसीज है। दोनों पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, एरियल पार्ट नजर आ रहा है, अंडरग्राउंड पार्ट नजर आ रहा है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो एरियल पार्ट है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो अंडरग्राउंड पार्ट है। अगर आप यहाँ सीन करेंगे तो आपको जैसे ये अंडरग्राउंड प्लांट नजर आएगा, स्टेम ही है जो रेड कलर का बनाया हुआ है, वो है रूट, टैप रूट, इसमें से लेटरल रूट निकलती हुई नजर आ रही है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये मेन प्लांट है, जैसे लिखा हुआ है मेन प्लांट बॉडी, जो मुख्य पादप काय है वो आपको दिखाई दे गई है। अब जैसे मैंने कहा जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसी में से ही बहुत सारी सब ब्रांचेस निकलती हैं, ये अंडरग्राउंड ब्रांचेस हैं। अब जो एपिकल बर्ड हैं, टर्मिनल बर्ड हैं, या एडवेंटिशियस बर्ड कहूं इनको, इन्हीं में से जो है ये नोड्स से आपको शुरुआती स्थिति में एडवेंटिशियस रूट्स निकलती नजर आएंगी, और जो ब्रांच है वही सॉइल को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल आती है, और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी या फेवरेबल होंगी कंडीशन, ये यहां से ब्रेक डाउन होगा और ये न्यू प्लांटलेट्स वो बन जाएगा। इसी तरह आपको ये दिखाई दे रहा है, ये भी न्यू प्लांटलेट है, ये जो आपको दिखाई दे रही है अंडरग्राउंड ओब्लिक ब्रांचेस, इन्हीं को कहा जाता है सकर, जैसे यहां लिखा हुआ है सकर, तो ये जितनी भी निकल के आ रही इन सभी को सकर कहा जाता है। और यहां मैंने कहा जो एडवेंटिशियस जो बर्ड है वो नोड पे मौजूद है, उन्हीं से ही एडवेंटिशियस रूट्स निकलती है, ये दिखाई दे रही है, और आपको ये न्यू ऑफस्प्रिंग बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये कुछ इस तरह से ये आपको ये दिखाई दे रहा है। सीडलिंग कह दें, मैंने कहा प्लांटलेट्स कह दें, हम नेसेंट प्लांट कह दें, या ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी कुछ भी कह दें, एक ही बात है। तो मुख्य पादप काय हो गई, नवोद्भिद हो गया, सकर्स मैंने बताई दिए, जितने भी मॉडिफाइड स्टेम है, जो ओब्लिक ब्रांच है, मैं कुछ इस तरह से कहूँ मॉडिफाइड इंटरनोड्स, ये ही सकर्स है। ये नोड्स जैसे मैंने कहा कि जहां से ये ऑफस्प्रिंग निकलेगी या प्रोड्यूस होगी, इन्हें नोड्स या पर्व संधियां कहा जाएगा, और ये पर्व या इंटर नोड्स हैं जो रूपांतरित हो चुके हैं सकर्स में। हाँ जी, ये अंडरग्राउंड पोर्शन में मौजूद था, बट अगर हम ये बात करें तो ये एरियल पार्ट है, ये पेनिट्रेट करता हुआ सॉइल को जो है वो बाहर निकल के आ गया है। एक एग्जाम्पल से मैंने आपको परिचित करवा दिया क्रिसेंथेमम कोरोनेरियम, इसके अलावा मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल और बोलता हूँ, घर पे इजीली आप इनको सॉन कर सकते हैं। पुदीना कहा जाता है, मिंट, मिंट की ट्विग्स ले ले, पत्तियां जो है काम में लेने के बाद जो स्टेम बचेगा, कुछ इस तरह की जो डंडियां बचेंगी उनको आप लगा ले, ठीक है, उन्हीं से आपको बहुत सारी जो है पुदीने की जो है ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी। एक या दो ट्विग लगाएंगे आपको पूरी की पूरी जो है बहुत, जो आपका पॉट है वो कुछ दिनों बाद जो है पूरा भरा हुआ मिलेगा। लेकिन सीजन फेवरेबल होना चाहिए, हाँ जी, कंडीशंस जो है अच्छी होनी चाहिए, रेनी सीजन होना चाहिए, तो मौसम अनुकूल हो रहा है इस समय, धीरे धीरे जो है बारिश आ रही है कभी कभार, तो जैसे ही रेनी सीजन आए तो आप जो है लगा सकते हैं। मिंता अरवेंस नाम है, मिंता अरवेंस, मिंट या पुदीना कहा जाता है। इसके अलावा मिंता पाइपरेटा है, मिंता पाइपरेटा जैसे पिपरमिंट, हाँ जी, पिपरमिंट्स की जो है च्युइंगम, या मैं कहूँ कि बहुत सारी जो है गोलियां आती हैं, माउथ फ्रेशनर आती हैं, कोलगेट है, या मैं कहूँ टूथपेस्ट है, हाँ जी, पेप्सोडेंट है जैसे, तो उनके अंदर भी आपको इनके एसेंस देखने को मिल जाएंगे। मैं फिर से थ्री जो मैंने एग्जाम्पल बोले मैं उन्हें रिपीट करता हूँ, क्रिसेंथेमम कोरोनेरियम, मिंता अरवेंस और मिंता पाइपरेटा। एक बार आप सीन कर लें, सकर्स जैसे लिखा हुआ है, सकर्स आर ओब्लिक ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम बेस और अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, मेन स्टेम, तो वो आपको दिखाई दे ही गए हैं। क्रिसेंथेमम कोरोनेरियम हो गया, गुलदावदी कह देते हैं, और क्रिसेंथेमम भी बोलते हैं इंग्लिश में भी। मिंता अरवेंस है जिसे मिंट या पुदीना कहा जाता है, मिंता पाइपरेटा है जिसे पिपरमिंट कहा जाता है। तो मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया है सकर। हम और चर्चा करें तो क्या है, अब स्टोलन एक बार आप देख ले, रनर और स्टोलन के अंदर रिजेम्बलेंस भी है और हल्का सा डिफरेंस भी है। तो कोई पूछे व्हाट इज स्टोलन, तो जैसे रनर को आप सीन करेंगे, रिवाइंड करके देखेंगे, तो आपको नजर आएंगी कि सेम चीज लिखी हुई है,
थिन है, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, प्रोस्ट्रेट है और क्रीपिंग स्टेम है। बट मेन डिफरेंस ये है कि अब ये ग्राउंड लेवल के अंदर मौजूद है, लिखा हुआ है लाइज जस्ट बिलो द ग्राउंड लेवल। तो अब ये ग्राउंड लेवल, हाँ जी, रन तो ग्राउंड लेवल के साथ ही करेगा, बट अब ये ग्राउंड लेवल है तो अभी तक रनर इसके ऊपर रन कर रहा था, लेकिन अगर हम बात करें अब ये ग्राउंड लेवल मान लें जो आपका स्टोलन है वो ग्राउंड लेवल के अंदर जो है रन करता है, जो एपिकल बर्ड है वो वर्टिकली ग्रो, सॉरी हॉरिजॉन्टली जो है वो ग्रो करती जाती है, और ये लेंथ वाइज जो है वो ग्रो करता जाता है, आगे तक बढ़ता जाता है। वही चीज अब इसी तरह का लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल बॉडी है, इसके ऊपर बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स आपको दिखाई देंगे। जितने भी नोड्स हैं उनके ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड मौजूद होंगी, और जो इनके बीच में इंटरवेल है वो मॉडिफाइड इंटरनोड्स, हाँ जी, उन्हीं को ही स्टोलन कहा जा रहा है। जितने भी मॉडिफाइड इंटरनोड्स हैं उन्हीं को ही स्टोलन कहा जा रहा है। एक बार आप अच्छा सा डायग्राम बनाया हुआ है स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी भी बनाई हुई है, हाँ जी, मैंने ही बनाया हुआ है, ये जितने भी अब आप देख रहे हैं ये सभी मैंने ही बनाए हुए हैं, तो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एरियल पार्ट है, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, वही जैसे मैंने बताया कि थ्री कलर्स आते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। आपको ये जो बोर्ड मार्कर हैं उनमें आपको ब्लैक के अलावा ओनली थ्री कलर दिखाई देंगे, तो उनका सभी का यूज किया हुआ है अच्छे से जितना पॉसिबल हो सकता था। तो आपको अभी तक मैंने जो रनर बताया था वो इस ग्राउंड लेवल के ऊपर चल रहा था, लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रॉबेरी की तो ये ग्राउंड लेवल के अंदर चल रहा है, बट है सेम ही है, वही लॉन्ग है, थिन है, सिलिंड्रिकल है, प्रोस्ट्रेट है, लेटा हुआ है या लाइन स्टेट के अंदर है, और मैं कहूं तो क्रीपिंग है, हाँ जी, क्रीपर है, अभी भी रन भी अगर कर रहा है, अगर ये क्राउलिंग भी कर रहा है तो ये सॉइल के अंदर कर रहा है। बट अब की बात जो टर्मिनल बर्ड है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती जाती है, और भी आगे अब इससे न्यू प्लांट फ्लैट बन सकते हैं। जितने भी नोड्स हैं उनके बीच जो मॉडिफाइड इंटरनोड है उसी को संज्ञा दी गई है, उसी को कहा गया है स्टोलन, लिखा हुआ है मॉडिफाइड इंटरनोड्स। जितने भी नोड हैं उनके ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड मौजूद हैं, एडवेंटिशियस बर्ड से पहले निकलेंगी ये एडवेंटिशियस रूट, हाँ जी, जो आप देखेंगे कि धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं प्लांट्स, तो आगे की जो ब्रांचेस होंगी वो शुरुआती स्थिति में छोटी ही बनेंगी, और रूट्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत बड़ा जो है आपको क्लस्टर देखने को मिलेगा, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो जो अपर ब्रांचेस हैं, मैं कुछ इस तरह से कहूँ, यहाँ जो इनिशियल ब्रांचेस हैं उनकी ग्रोथ काफी अच्छी है, बट अगर मैं कहूँ जो यंग इस समय बन रही हैं, जो मैच्योर नहीं है, ये मैच्योर हो गई, ये काफी बड़ा है, बट जो इमैच्योर है वो काफी छोटे हैं। तो ये प्लांटलेट्स, इन्हें ये होगी मेन प्लांट बॉडी होगी, अब इन्हें हम कह सकते हैं सीडलिंग्स, ये जितने ही बन रही हैं और भी आगे बन सकती हैं, इन्हें हम प्लांटलेट्स, ऑफस्प्रिंग, वही अलग अलग नाम से हम जान सकते हैं। तो कोई स्टोलन के पूछे एग्जाम्पल तो यहाँ इजीली आप जवाब दे सकते हैं, एक तो आपको समझ में आई गया है स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को हम फ्रोगेरिया वेस्का कहते हैं। इसके अलावा आपको एक्सोरा कॉक्सिनिया जिसे रंगन कहा जाता है, और एक एग्जाम्पल मैंने मेंशन और किया हुआ है वो है वेलिसनेरिया स्पाइरलिस जिसे रिबन सेज कहा जाता है। वेलिसनेरिया आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो एपीहाइड्रोफिली में, जिसे हम अधिजल परागण कहते हैं, हाँ जी, वाटर पोलिनेशन आएगा, हाइड्रोफिली आएगी, टू मैकेनिज्म चलेंगे, एक एपीहाइड्रोफिली, एक हाइपोहाइड्रोफिली। तो हाँ जी, एक अधिजल परागण, एक अधोजल परागण, जो वाटर की सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा वो एपीहाइड्रोफिली होगा, जो वाटर सरफेस के नीचे या हम कहूं वाटर, या मैं कहूं वाटर समर जो प्लांट है उनमें आपको जो देखने को मिलेगा वो वाटर सरफेस से, वाटर जो लेवल है उसके नीचे वो आपको देखने को मिलेगा हाइपोहाइड्रोफिली, अधोजल परागण। तो अभी यहां हम पॉलिनेशन जो मैकेनिज्म है उनकी चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन वेलिसनेरिया स्पाइरलिस का फिर से जिक्र होगा, डायोशियस प्लांट है, इसका मतलब मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, और ये टेरेस्ट्रियल ही, अब तक हम जितने भी प्लांट्स की चर्चा कर रहे थे वो टेरेस्ट्रियल, बट ये एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन शेलो वाटर में देखने को मिलता है। शेलो वाटर का मतलब यहां मैं कुछ इस तरह से कहूं कि अगर ये ग्राउंड, ये मान लिया जाए कि वाटर लेवल ये मान लिया जाए, और ये आप ये मान ले कि ये वाटर लेवल है और ये ग्राउंड लेवल है, तो शेलो वाटर मतलब उथला पानी है, पानी कम है,
तो बॉटम में आपको सभी को पता है बॉटम के अंदर जो है सॉइल होगी होगी, तो जो रूट है एडवेंटिशियस जो बर्ड है उनके थ्रू जो है वो रूट के थ्रू उसके अंदर फिक्स रहता है, और जो उनके राइजोम है वो उसके अंदर, या कहूं ये जो उसके स्टोलन है वो उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो हाँ जी, सॉइल के अंदर देखने को मिलेंगे, बट अंडरग्राउंड पार्ट है, मैंने कहा शेलो वाटर में, उथले पानी में देखने को मिलता है वेलेसनेरिया स्पाइरलिस, जिसे हम रिबन सेज के नाम से भी जानते हैं, रिबन सेज। तो मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया है, एक बार और आप सील कर लें। स्टोलन जैसे मैंने कहा बिल्कुल सेम रनर जैसा ही है, थिन है, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, प्रोस्ट्रेट एंड क्रीपिंग स्टेम है, ये सेम चीजें आपको रनर में भी देखने को मिली, लाइज जस्ट बिलो द ग्राउंड लेवल, बट डिफरेंस था ये ग्राउंड लेवल के जस्ट आपको नीचे देखने को मिलेगा, जबकि और अभी हमने जिनकी चर्चा की रनर वो आपको ग्राउंड लेवल से ऊपर देखने को मिले। मैंने तीनों जो एग्जांपल थे, फ्रुगेरिया वेस्का स्ट्रॉबेरी, इजोरा कॉक्सिनिया रंगन और वेलेसनेरिया स्पाइरलिस रिबनसेस, मैंने इन सभी से आपको परिचित करवा दिया है। हमारा जो न्यू टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो है ऑफसेट, जिसे हम भू स्तरिका के नाम से भी जानते हैं। अब बिल्कुल ये स्टोलन जैसा है, स्टोलन जैसा मतलब मोस्टली जो स्टोलन वाले प्लांट थे, मैंने कहा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट, अगर हमने जो देखा भी एक, तो वो वेलेसनेरिया स्पाइरलिस वो शैलो वाटर में मिलता है, उथले पानी में, लेकिन यहाँ जो भी अब आप एग्जांपल देखेंगे वो स्टैग्नेंट वाटर वाले होंगे, यानी कि जो एक्वेटिक जो प्लांट है उनके अंदर आपको ऑफसेट देखने को मिलेगा, और ये फ्लोटिंग स्टेट के अंदर बने रहते हैं, हाँ जी प्लावी स्टेट में तैरते रहते हैं, वाटर लेवल के ऊपर रहते हैं प्लांट मोस्टली, जैसे आपको सीन पूरा डायग्राम, ये वाटर हाइसिंथ है जिसे आइकोर्निया क्रेसिपीज कहा जाता है, तो आइकोर्निया क्रेसिपीज को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, अभी ऐसा क्यों अभी इसकी चर्चा मैं करूंगा, बट मैं फिर से रिपीट करता हूं कि स्टोलन से रिजेम्बलेंस रखता है, स्टोलन का जैसा ही है, बट स्टोलन टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जबकि ये एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट्स के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा आपको, इसे एक बार सीन कर लें आप, रिजेम्बल विद स्टोलन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फाउंड इन फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, बट मैंने जैसे कहा कि जो फ्लोट करने वाले तैरने वाले एक्वेटिक प्लांट हैं उनके अंदर आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी ऑफसेट जैसी। आपको डायग्राम नजर आ रहा है क्लियर मुझे लगता है। अब एरियल पार्ट है बट अंडरग्राउंड पार्ट नहीं है, अब हम अंडरग्राउंड पार्ट की जगह बोलेंगे वाटर सबमर्ज प्लांट या वाटर सबमर्ज पार्ट। वाटर सबमर्ज का मतलब है पानी के अंदर डूबा हुआ है, डिप है पानी के अंदर, तो रूट जो है आपको वाटर के अंदर जो है रूट दिखाई देंगी डूबी हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि स्टोलन का जैसा ही है, अब स्टोलन जो है वो थिन लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग है, बट मेन चीज थी वो बिलो दी ग्राउंड लेवल है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये एक्वेटिक, ये पूरा एक्वेटिक जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, या मैं कहूँ एक्वेटिक जो बॉडी दिखाई दे रही है, इसका जो सरफेस दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे जो ऑफसेट है वो इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है, वाटर लेवल के अंदर है, जिस तरह से स्टोलन मौजूद था, रनर की तरह नहीं है। प्लांट बहुत एंटीक है, एक तरह का एक्जोटिक स्पीसीज है या एलियन स्पीसीज, जिसे हम फॉरनर स्पीसीज भी कहते हैं, यूरोपियन प्लांट है, हाँ जी यूरोप से इंडिया के अंदर बे ऑफ बंगाल में लाकर इसको डाला गया। क्यों ऐसा क्यों किया गया, तो इसका कारण यह था कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इसके अंदर जो फ्लावर है वो देखने को मिलते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मोव कलर के फ्लावर आते हैं, मोव का मतलब होता है ब्राइट पर्पल कुछ इस तरह का ब्राइट पर्पल। अब जैसे मैंने कहा ब्लू बनाए हुए हैं, हाँ जी कलर जो है मैंने कहा कि जो मार्कर आते हैं बोर्ड मार्कर वो थ्री कलर में आते हैं, तो पर्पल जो है फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। इसके अलावा मोव कलर के फ्लावर की वजह से इसको लाया गया, साथ में प्लांट बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें जो लीफ का जो पिटियोल वाला पार्ट है, मैं कहूँ लीफ बेस वाला जो पार्ट है वो स्पॉन्जी होता है, जिसे पल्विनस टर्म दिया गया है, नाम जो टर्म है उसे पल्विनस कहा जाता है, जो स्पॉन्जी पिटियोल है। अब स्पॉन्जी कैसा, कुछ बैलून शेप मान ले, बैलून का जैसा है, बैलून को जितना भी आप, हाँ जी बैलून में एयर रहती है,
जितना भी आप डिप करते हैं वो वापस जो है वाटर लेवल पे आपको देखने को मिलता है, वापस ऊपर आ जाता है, कहने का मतलब ये है। ऐसा ही कुछ ये है, ठीक है जी। हाँ जी, इस लिखा हुआ है पल्विनस, कोई पूछे क्या है, मॉडिफाइड स्पॉन्जी पेटियोल है, प्रोवाइड बुयंसी, बुयंसी का मतलब हुई उत्प्लावन बल प्रदान करता है, बुयंसी प्रोवाइड कराता है, अगर जितना भी हम नीचे हालेंगे वो फ्लॉट करता रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, वापस ऊपर आ जाएगा। वो ऐसा इसलिए होता है, उसके अंदर एयर भरी हुई है, इनके अंदर जो बैलून जिसमें एयर भरी होती है, इसी तरह से जो पल्विनस है, ये स्पॉन्जी पिटियोल है, इनके अंदर भी एयर आपको देखने को मिलेगी। सीबीएसई के अंदर प्रैक्टिकल में है, आइकॉर्निक रेसिपीज स्पॉटिंग में है, तो आपको सभी को पढ़ने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब लीफ लैमिना जो है अपर सरफेस पे मौजूद है, और मैंने कहा ठहरे हुए पानी में ही देखने को मिलेगा, ये बहते हुए पानी अटलांटिक वाटर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूं हाँ जी, जो झील है, जो ठहरा हुआ पानी है, स्टैग्नेंट वाटर है, उन्हीं के अंदर लेक में ही आपको देखने को मिलेगा, रिवर जो फ्लो करती रहती है उनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब लाया गया, क्यों बोलते हैं इसको टेरर फंगाल, तो उसका कॉज ये है कि लाया तो अच्छे के लिए गया था, बट जब ये आया हमारे जो बे ऑफ बंगाल में, तो इसने क्या किया, जो वाटर है उसकी जितनी भी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को ये प्लांट यूज में लेता है रेस्पायरेशन के। हाँ जी, जो रूट है उसके थ्रू जो है वाटर की जितनी भी ऑक्सीजन है उसका यूज करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक जो सोर्स है उसकी बीओडी धीरे धीरे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहूं, बीओडी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। जब O2 का अमाउंट कम होगा तो बीओडी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, अगर जो जितने भी एक्वेटिक अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होना बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होती जाती है, और ऐसा ही हुआ है। और इसी की वजह से बहुत खतरनाक है या बहुत डेंजरस प्लांट है, एक तरह की एलियन या एग्जोटिक स्पीसीज इसलिए कहते हैं, अदर कंट्री से आई है। हाँ जी, जो अदर कंट्री से आने के बाद या एग्जोटिक कंट्री से आने के बाद, बाहर से आने के बाद, विदेश से आने के बाद यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेती है, और जितने भी यहाँ के फाउंडर स्पीसीज हैं, यहाँ ओरिजिनल जो स्पीसीज हैं उस एरिया की जहां पे इसको लाया गया है, उनके साथ कॉम्पिटिशन करती है और उनको हटाती है, उनको रिमूव करती जाती है धीरे धीरे। तो इसकी वजह से इसे टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया है। आपको ये फिर से एग्जांपल आपको पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर आएगा सीबीएसई में एक बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नाम से, और वहां आपको बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में एक टॉपिक आएगा इन्वेशन ऑफ एलियन और एक्सोटिक स्पीसीज, बायोडायवर्सिटी थ्रेड्स आएंगे जहां बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, जहां फोर टॉपिक्स, फ्रेगमेंटेशन है, ओवर एक्सप्लोइटेशन है, थर्ड है इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज। और तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया है, और एक और टॉपिक आपको देखने को मिलेगा तो को इवॉल्व म्यूचुलेशन, तो मैं धीरे धीरे इनके बारे में भी चर्चा करूंगा अभी बाद में। तो मुझे लगता है जो एक्सोटिक स्पीसीज है, या इसे टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ को क्यों कहा जाता है, आइकॉर्निक रेसिपीज को, तो आपको बखूबी समझ आ गया है। लाया इसलिए गया था मोव कलर के फ्लावर, और जितना काटते हैं, जितना हटाते हैं ऑफ स्पेक, जो जितना भी ऑफ सेट को हम काटते हैं, हाँ जी वही मॉडिफाइड इंटरनोड्स है, इनको जितना भी हम रिमूव करेंगे जो नोड्स है उससे उतनी ही ज्यादा एडवेंटिशियस जो है बर्ड निकलेंगी, और उतने ही ज्यादा जो है वो आपको न्यू ऑफ स्प्रिंग देखने को मिलेंगी। जिस तरह से ऊपर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी हैं ये ऑफ स्प्रिंग है न्यू। तो मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया है। अब एक्वेटिक प्लांट है तो रूट की ज्यादा जरूरत नहीं है, रूट केवल यहां इसलिए है क्योंकि जो प्लांट का सरफेस है उसी से ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर लेती है, तो रूट का केवल यहाँ बैलेंसिंग का काम है। जो रूट का आपको टफ्ट या क्लस्टर नजर आएगा एडवेंटिस रूट का नीचे, वो इसलिए कि वो ऊपर का जो क्लस्टर है लीव्स का उनको ये बैलेंस कर सके, ताकि प्लांट जो है वो एक्वेटिक सोर्स में जो है वो डिप ना हो या
तैरता रहे, अच्छे से बैलेंस बना रहे। लिखा हुआ है एडवेंटिशियस रूट्स तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में तो हेल्प करेंगी ही करेंगी, साथ साथ हेल्पफुल इन बैलेंसिंग ऑफ प्लांट इन एक्वेटिक सोर्स। मेन चीज है इनका काम यहाँ ये है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ रूट कैप आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हाँ जी ये टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है, जबकि यहां एक रूट पॉकेट आपको देखने को मिलेगी, तो प्रोटेक्ट करती है आपको। ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ मैं इस तरह से कहूं, ये जितने भी हैं इस सिरे जो है उसके ऊपर आपको इस तरह के पॉकेट्स नजर आ रहे हैं रूट के, इन सभी पॉकेट्स को ही कहा जाता है रूट पॉकेट्स। तो ये प्रोटेक्ट करती हैं, जो टर्मिनल जो पोर्शन है रूट के उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया है। ऑफसेट, ऑफसेट के जो थ्री एग्जांपल्स यहां मैंने मेंशन किए हुए हैं, मैं उनसे आपको एक बार परिचित करवा देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल आपको शायद अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए अब तक, आइकॉर्निया क्रेसिपीज है, पूरा जो नाम है अच्छे से लर्न कर लें, जिसे वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों मैंने वो चीज बता दी है, इसको जितना रिमूव करोगे उतना ज्यादा ये फैलेगा। इसके अलावा आपको ये सेम टॉपिक वाटरवे इंटरप्शन के नाम से भी मिलेगा, 16th चैप्टर है सीबीएसई में, इसका नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज, जो वाटर पॉल्यूशन है हाँ जी उनके कॉजेस के अंदर आएगा एक टॉपिक, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है वाटरवे इंटरप्शन। तो वाटर जो है पूरा का पूरा एक्वेटिक जो बॉडी है वो इंटरप्ट हो जाती है एलियन स्पीसीज की वजह से, तो इसी की वजह से इसे नाम दिया गया टेरर ऑफ बंगाल। इसके अलावा आपको यहाँ जो एग्जांपल मैंने और मेंशन किए हैं उनमें जस्सिया रिपेंस, जस्सिया को जस्सिया भी कह सकते हैं आप, पिस्टिया स्टेटोइटिस, पिस्टिया को वाटर लेट्यूस या डायरेक्ट पिस्टिया ही कह देते हैं हम। एक बार आप तीनों एग्जांपल जो लिखे हुए हैं वो सीन कर ले, आइकॉर्निक रेसिपीज, वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल। इसके अलावा जस्सिया रिपेंस जस्सिया कहा जाता है, पिस्टिया स्टेटोइटिस जिसे वाटर लेट्यूस भी कहा जाता है। मुझे लगता है आपको जितने भी टॉपिक से वो अच्छे से समझ आ गए हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। तो जैसे आपको अच्छे से सीन हो रहा है डायग्राम, एक बार आप देख लें। साथ में ओरिजिनल डायग्राम भी आपको सीन हो रहा है इसका। इसे ब्रायोफिल्म पिन्नेटम कहा जाता है, जिसे पहले कैलेंचोआ पिन्नेटा भी कहा जाता था। हाँ जी पत्थर चट्टा कहते हैं इसे। हाँ जी मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट कह रहे हैं कि हाँ जी सर टेंथ में हम ये टॉपिक कर चुके हैं, तो सेम टॉपिक यहाँ मौजूद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। और वो सेम एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत एंटीक एग्जाम्पल है पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म पिन्नेटम। इसमें लीव्स की खासियत ये है, इनकी जो पत्तियां हैं उनकी खासियत यह है कि लगभग स्पून शेप मिलती है। हाँ जी थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, गड्ढा आपको ये दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से। हाँ जी ये ऐसे बनाया हुआ है इसको, और ये कुछ इस तरह से बनाई हुई है। और हाँ जी अभी ये थोड़ा स्पून जैसा है, चम्मच जैसा है, और इसमें थोड़ा डिप्रेशन गड्ढा है। साथ साथ इन पर फरो बने हुए हैं, या मैं कहूँ नौच बनी हुई खांच जिनको कहें, दरारे हैं इनमें बहुत सारी, जैसे आपको यहां भी सीन हो जाएंगी, ये काफी सारी ये जो दरारे हैं और ये दरारे इन्हें नॉच कहें, जो लीफ लैमिना है उसका जो मार्जिन है उस मार्जिन पर ये फरो मौजूद है। फिर से मैं बात करता हूं, जो लीफ लैमिना है हाँ जी पूरा का पूरा इसे लीफ लैमिना कहा जाता है। जो लीफ है वो थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, लीफ लैमिना, पेटियोल और लीफ फेस, जिसमें जो लीफ लैमिना के जो मार्जिन है उन पर ये फरो मौजूद है या खांच मौजूद है, जो लिखी हुई है फरो या नॉच। अब जितनी भी नॉच हैं उनकी खासियत है मार्जिन जो है उन पर जो फरो मौजूद है उनमें एडवेंटिशियस बर्ड्स मिलेंगी। और जैसे ही वही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, यहां से न्यू ऑफ स्प्रिंग या न्यू प्लांटलेट्स मैं कहूं या सीडलिंग कहूं, वो बन जाएगी या यंग वन बन जाएगा जैसे लिखा हुआ है प्लांटलेट्स। तो ये जितनी भी आपको बर्ड नजर आ रही हैं, जैसे ये नजर आ रही है, ये नजर आ रही हैं, ये नजर आ रही हैं, इन सभी को एडवेंटिशियस बर्ड टर्म दिया गया है नाम। एडवेंटिशियस बर्ड जो है उन्हीं से ही एडवेंटिशियस रूट जो है इमर्ज होंगी, और एडवेंटिशियस रूट से ये सॉइल के अंदर अपना स्टेबिलिटी बना लेगा,
उसके बाद में यहाँ से बहुत सारे जो है नेसेंट प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ओरिजिनल में आप सीन कर लें, यहाँ से बहुत सारी जो एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ साथ इनके जो प्लांटलेट्स हैं, वो जो छोटे छोटे प्लांट्स, वो आपको यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो और भी जो है यहाँ से बन सकते हैं, हाँ जी, जितनी भी नोच हैं, फरो हैं, उनको अगर हम अलग अलग जो है काट के यहाँ से रिमूव करके अगर लगा दें तो भी उनसे प्लांट बन सकते हैं। बट इसी तरह से कंप्लीट लीव्स को लगाओगे तो रिजल्ट अच्छे ज्यादा आएंगे, 100% रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और जैसे जैसे ये प्लांट्स अब बड़े हों और एक अच्छी हाइट गेन कर लें, उसके बाद आप इनको सभी को अलग अलग रिमूव करके अलग अलग प्लांट्स जो है पॉट के अंदर लगा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ प्लांट्स के अंदर जो लीफ लेमिना है उसका जो मार्जिन है, हाँ जी, जो लीफ लेमिना का जो मार्जिन है उस पे नोच है, वो नोच एडवेंटिशियस बर्ड के थ्रू बनाएंगी न्यू प्लांटलेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। एग्जाम्पल मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया है, वो है ब्रायोफिल्म पिन्नेजम। एक बार आप सीन कर लें, इन फ्यू प्लांट्स नोच और फरो ऑफ मार्जिन ऑफ लीफ लेमिना, तो लीफ लेमिना मैंने बताई दिया है, कंटेन्स एडवेंटिशियस बर्ड्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नाम ब्रायोफिल्म पिन्नेजम है। एग्जाम्पल ब्रायोफिल्म पिन्नेजम है, जिसे कैलेंचॉय पिन्नेटा भी कहा जाता था, लोकल टर्म है पत्थर चट्टा, इंग्लिश में हम ब्रायोफिल्म ही कह देते हैं। अब ब्रायोफिल्म के अलावा भी एक एग्जाम्पल है, वो है बैगोनिया। बैगोनिया सेम्पर फ्लोरेंस स्पीसीज है बैगोनिया की। बैगोनिया को वैक्स बैगोनिया के नाम से भी जाना जाता है, जैसे लिखा हुआ है बैगोनिया सेम्पर फ्लोरेंस वैक्स बैगोनिया। अगर इसकी लीव्स की अगर खासियत देखेंगे तो उससे कुछ जुदा है, उससे कुछ डिफर है। हाँ जी, अब लोब लीव्स है, काफी सारे लोब, 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग लीव्स जो है, लीफ के अलग अलग लोब आपको नजर आ रहे हैं। सब में ये मिडरिब जाती हुई नजर आ रही है, ये आप देखेंगे मिडरिब नजर आ रही है जाती हुई लोब के अंदर। इनमें से काफी सारी लेटरल वेन्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये आपको दिखाई देंगी, ये लेटरल वेन्स निकल रही हैं इनमें से। तो मेन मेन चीजें जो है वो है मिडरिब, लेटरल वेन्स, साथ में पेटियोल। तो अभी तक लीफ का लेमिना जो है वो वर्क कर रहा था, यहाँ लीफ लेमिना के मिडरिब और लेटरल वेन के साथ साथ यहाँ पेटियोल भी वर्क करता है और दिखाई दे रहा है। जो नेसेंट प्लांट है जिन्हें फोलियर बर्ड भी कहा जाता है, जी, लीफ से जो निकलेंगी उन बर्ड को फोलियर बर्ड या एडवेंटिशियस बर्ड को फोलियर बर्ड कहा जाता है। और इन्हीं से न्यू प्लांटलेट्स आपको निकलते हुए, जैसे कि ये आपको मिडरिब से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको ये लिटरल वेन से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस पेटियोल से न्यू प्लांटलेट्स आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ओरिजिनल दिखा रखा है, जैसे ये लीव्स है काफी बड़ी, काफी सारे लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग तरह के लोब हैं, ये दिखाई दे रहा है इसका पेटियोल। साथ साथ ये काफी सारे जो है ऑफ स्प्रिंग इसके ऊपर नजर आ रहे हैं। तो ये या तो मिडरिब या लिटरल वेन या पेटियोल, यहाँ जो है बैगोनिया सेम्पर फ्लोरेंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं लीव्स के पार्ट, वो फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट मिडरिब, सेकंड लिटरल वेन्स और थर्ड जो है वो पेटियोल। एक बार आप सीन कर लें, जैसे लिखा हुआ है, इन फ्यू प्लांट्स सीडलिंग्स और प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम मिडरिब विद लिटरल वेन्स और पेटियोल ऑफ लीव। और छोटा सा टॉपिक था जो यहाँ कंप्लीट हो चुका है आपका। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, अब तक हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम कंप्लीट कर चुके हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, वो है रूट के थ्रू और बल्बिल्स के थ्रू। तो हाँ जी, रूट भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हिस्सा लेती है, और रूट भी अलग अलग तरह की हो सकती है, वुडी रूट और ट्यूबरस रूट। जैसे यहाँ फर्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वुडी रूट का लिखा हुआ है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एल्बिजिया लिबेक, जिसे हम सिरस कहते हैं, एजिडिरेक्टा इंडिका, जिसे नीम कहा जाता है, इसके अलावा हम दलबर्जिया सीसू, हाँ जी, दलबर्जिया सीसू, अभी जो रूट आपने देखी वो दलबर्जिया सीसू की ही रूट है। इसके अलावा आप
नींबू भी लिख सकते हैं यहां बट नींबू को हम आर्टिफिशियल मैकेनिज्म में ऐड करेंगे, इसका नाम है सिट्रस लिमोन। इसके अलावा हमने जो यहाँ एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है वो है जैस्मिनम गैंडीफ्लोरम। मैं फिर से फोर जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किए हुए उनको मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट है एल्बिजिया लेवेक, जिसे सिरिस कहा जाता है। हाँ जी, सिरिस के पेड़ को भी काफी पवित्र माना जाता है। दशहरे पे, हाँ जी, जिसे विजयदशमी कहा जाता है, हिंदुओं का पवित्र जो त्योहार है, फेस्टिवल है, उस पर अगर आप देखेंगे तो सिरिस की जो ट्विग है, ब्रांचेस हैं, उनको जो है वो हाँ जी गेट पर लगाया जाता है। तो ऐसा मानना है कि उनके थ्रू कोई बुरी आपदा या कहीं बुरा साया घर के अंदर प्रवेश नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक ट्रुथ ये है कि जो उनकी लीव्स हैं उनमें कुछ इस तरह के एल्कलॉइड्स हैं जिनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। हाँ जी, तो इसकी वजह से, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से जो वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं हानिकारक या हार्मफुल, वो हमारे घर के अंदर एंटर नहीं होते और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। और मान लिया जाता है ये कि सुपरस्टिशियंस या मिथ या टाबूज ये हैं कि ये बुरी आत्मा या जो है कुछ इस तरह की चीजें हमारे घर के अंदर एंटर नहीं होती इनसे। तो क्या है वुडी रूट? तो आप सभी जानते हैं जितने भी प्लांट्स पार्ट हैं, अगर उनके अंदर जो सेलुलोज हेमी सेलुलोज है उसके साथ में लिग्निन का कंपोनेंट भी देखने को मिलेगा, तो इस तरह की रूट कहलाएंगी वुडी रूट। जैसे लिखा हुआ है इन सम प्लांट्स रूट्स और रूट के साथ, अब यहां साफ लिखा हुआ हैविंग लिग्निन, हैविंग लिग्निन। तो अब अच्छे से सीन कर लें, हैविंग लिग्निन विद सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। तो अब जो रूट्स हैं, मैं कहूं वुडी रूट हैं, वो ही नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वो किन प्लांट्स की है उनका मैं जिक्र कर चुका हूं। हाँ जी, फिर से एक बार बता देता हूं, एल्बिजिया लेवेक, एजिरिडेक्टा इंडिका जिसे नीम कहा जाता है, इसके अलावा जो है मैंने दलबर्जिया सीसू जिसे शीशम या इंडियन रोजवुड प्लांट कहा जाता है, इसके अलावा जैस्मिनम ग्रैंडीफ्लोरम, ये फोर, हाँ जी, जिसे जैस्मिन या चमेली कहा जाता है। तो अब आप डायग्राम अच्छे से सीन कर लें एक बार, बहुत इजी सा डायग्राम है, बुक के अंदर इस तरह के डायग्राम है नहीं, ना सीबीएसई में ना आरबीएसई में है। तो हाँ जी, वुडी रूट वाले एग्जांपल आपको ना एग्जांपल ज्यादा देखने को मिलेंगे ना आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे, वहां जो एग्जांपल है वो ट्यूबरस रूट वाले दिए हुए हैं। तो वुडी रूट भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये रूट है, आपको ये दिखाई दे रही है वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव, मैं वुडी रिप्रोडक्टिव रूट कहूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। हम नेचुरली भी इनको लगता हुआ देखते हैं, हम इनको आर्टिफिशियली भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि लेमन के अंदर हमको इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, सिट्रस लिमोन। अगर आप देखेंगे तो रूट के ऊपर अब एडवेंटिशियस बर्ड है, यहाँ भी है, अब यहाँ भी थी, ये बहुत बड़ा प्लांटलेट बन चुका है और ये नेसेंट प्लांट है, छोटा प्लांट है। यहाँ साथ साथ आपको एडवेंटिशियस बर्ड यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ वुडी इस रिप्रोडक्टिव रूट के ही हिस्से हैं, इन्हीं से आपको ये नेसेंट प्लांट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन दलबर्जिया सीसू, हाँ जी, जिसे मैंने कहा इंडियन रोजवुड या शीशम कहते हैं, थ्रू वुडी रूट। तो एग्जाम्पल से मैंने परिचित करवा ही दिया है और फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ गए हैं। मैं आगे बात करता हूं, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिपीट कर दिए थे पहले ही, बहुत सारे मैंने कहा कि ऐसे भी रूट हैं जो ट्यूबरस रूट है। अब ट्यूबरस का कॉज ये है कि मोस्टली प्लांट के अंदर जो टैप रूट है या एडवेंटिशियस रूट हैं, वो फूड स्टोर करके, जिसमें जनरली कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करके, वो स्वलन हो जाती है, फूल जाती है। जैसे लिखा हुआ है इन मैनी प्लांट्स टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स बिकम स्वलन बाय स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूजुअली स्टार्च, इट्स एडवेंटिशियस बर्ड। हाँ, तो अब इसके ऊपर काफी सारी एडवेंटिशियस बर्ड आपको देखने को मिलेंगी और गिव्स राइज न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, और न्यू प्लांट्स बन सकते हैं या प्लांटलेट्स या सीडलिंग कुछ भी कह सकते हैं, वो इनसे आपको फेवरेबल कंडीशन में बनते हुए दिखाई देंगे। तो ट्यूबरस रूट क्यों कहा जाता है? ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूजुअली स्टार्च की वजह से। तो फूली हुई आपको दिखाई देंगे इस तरह की रूट, जिनमें यहां जनरली जो एग्जांपल देखने को मिलते हैं वो एडवेंटिशियस रूट के ही देखने को मिलते हैं,
टैप रूट का जो यहाँ एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ है वो है मिरिबिलिस जलपा, जिसे फोर ओ क्लॉक प्लांट या गुलाबास के नाम से जाना जाता है। मिरिबिलिस जलपा, मिरिबिलिस जलपा का जो पोलन ग्रेन है उसका डायमीटर सबसे ज्यादा माना जाता है, लार्जेस्ट पोलन इन दी वर्ल्ड है जो 250 माइक्रोमीटर का देखने को मिलता है। कोई कुछ पूछे आपसे कि किस प्लांट का पोलन सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन, तो जवाब मैं दे चुका हूं मिरिबिलिस जलपा है, गुलाबास या फोर ओ क्लॉक प्लांट है। फोर ओ क्लॉक प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास इसमें फ्लावरिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से मिरिबिलिस जलपा कहा जाता है, गुलाबास या फोर ओ क्लॉक प्लांट। अब जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए वो और एडवेंटिजियस रूट के ही हैं। जैसे भी 2018 में क्वेश्चन आया है तो स्वीट पोटैटो किस रूट का या किस तरह का जो है मॉडिफिकेशन है, तो एडवेंटिजियस रूट का मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो, वहां टैप रूट भी लिखा हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनका जो है रॉन्ग हो गया है, करेक्ट नहीं हो पाया, तो कॉज समझ में आ ही गया आपको, डिटेल स्टडी ना करने की वजह से जो है इस तरह की चीजें आती हैं। कुछ जो है जनरली पूरी बुक को रीड ना करके ओनली अच्छे अच्छे जो टॉप जो है पॉइंट्स जो है बस रीड कर लेते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉपर डिटेल में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, जो नॉलेज होगी वो ज्ञान होगा वो ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। तो जैसे अब एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल शायद मैंने बताई दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो जिसे आइपोमिया बटाटास कहा जाता है, आइपोमिया बटाटास स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंद भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ डहेलिया हॉर्टेंस की रूट भी देखने को मिलेगी, डहेलिया हॉर्टेंस जिसे एस्टर प्लांट कहा जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने और मेंशन किया हुआ है वो है एस्पेरगस रेसिमोसस जिसे शतावरी या शतावर के नाम से जाना जाता है। तो आप डायग्राम देख ले, बहुत इजी से डायग्राम है और कुछ ऐसे खास डायग्राम है नहीं, ये आपको ये ट्यूबरस रूट दिखाई दे रही है, ये ही काफी ट्यूबरस रूट जो है यही काफी मोटी एडवेंटिजियस रूट है। इसके ऊपर जो जितनी भी एडवेंटिजियस वर्ड मौजूद हैं उन्हीं से ही शुरुआती स्थिति में ये एडवेंटिजियस रूट निकलती हैं, इसे लिखा हुआ है इन एडवेंटिजियस वर्ड से ये एडवेंटिजियस रूट निकलेगी जब फेवरेबल कंडीशन होंगी तब, अदरवाइज ये जो ट्यूबरस रूट है ये ही सॉइल के अंदर या अंडरग्राउंड जो पोर्शन है प्लांट का ये परनेटिंग कंडीशन में बना रहेगा, बाकी जो एरियल पार्ट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था पहले, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आया या स्प्रिंग आया ये वापस से स्प्राउटिंग कर लेगा और न्यू प्लांटलेट्स या नेसेंट प्लांट या सीडलिंग बना लेगा। तो मैंने जो 3 एग्जांपल्स यहाँ आपको बताए, इसके अलावा मैंने कहा कि डहेलिया हॉर्टेंस का एक जो है डायग्राम भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो लिखा हुआ है फिगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन डहेलिया हॉर्टेंस डहेलिया थ्रू ट्यूबरस रूट। अब आप अच्छे से सीन कर लें, अभी तक आपने जो स्वीट पोटैटो देखा वहां ओनली सिंगल ट्यूबरस रूट थी, हां जी एक सिंगल रूट का ट्यूबर आपको देखने को मिला, जबकि यहां काफी सारे जो है क्लस्टर ऑफ ट्यूबरस रूट आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें काफी ओल्ड जो रूट ट्यूबर है वो काफी बड़ा हो चुका है और यहाँ न्यू रूट ट्यूबर भी जो है बनने लग रहे हैं, इनमें से ही नेसेंट प्लांट बनते हैं। तो यहाँ कुछ स्वीट पोटैटो से ये जो डहेलिया है क्लस्टर ऑफ रूट की वजह से अलग है थोड़ा। जितने एग्जांपल थे मैंने सभी से परिचित करवा दिया, एस्पेरगस रेसिमोसस इसको शतावरी या शतावर कहा जाता है, इसके अलावा डहेलिया हॉर्टेंस जिसे एस्टर प्लांट मैंने बता ही दिया, काफी सारे जो है फ्लावरिंग प्लांट इसके अंदर आ जाते हैं, डहेलिया के अलग अलग जो है वेराइटीज आ जाती हैं, आइपोमिया बटाटा जिसे स्वीट पोटैटो या शकरकंद कहते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर मेन चीज सी ये, ऑल ऑफ दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, अपस्थानिक कलिकाओं के जो है या अपस्थानिक जो मूल हैं जड़ हैं उनके जो है रूपांतरण है, ऑल ऑफ दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन है ये जो 3 मैंने एग्जाम्पल बोले। इसके अलावा ओनली एक ही नॉन एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है वो है मिरिबिलिस जलपा जो मॉडिफिकेशन है टैप रूट का, और ये टैप रूट ट्यूबरस रूट में कन्वर्ट होती है
और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्टिसिपेट करती है, ऐसा केवल मिरेबल जलप में देखने को मिला है। और वेब पेजेस आप रीड करेंगे तो आपको इस तरह के ज्यादा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेंगे। हम नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय बल्बिल्स। तो यहां हम थ्री टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, और लास्ट जो चल रहा है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय बल्बिल्स। अब है क्या चीज बल्बिल? तो कुछ प्लांट्स में आपको इस तरह की जो है यूनिट्स या असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स देखने को मिलेंगी, जो यूजुअली मल्टी सेलुलर होती हैं। मल्टी सेलुलर ये लीफी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लीफ के जैसे ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर अगर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है तो आपको स्वलन फूला हुआ दिखाई देगा, और लीफी स्ट्रक्चर है तो जो लीव्स हैं वो भी काफी सारी जो लीव्स हैं वो फूड जो फूड है उसको स्टोरेज करके रखती है। जैसे लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर है, स्वलन है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड एंड लीफी और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, या तो लीफी हो सकती है ग्लोबुलर भी हो सकती है, जैसे दोनों ही आपको तरह का देखने को मिलेगा अभी डायग्राम। दैट मीन इट कंडेंस एक्सिलरी वेजिटेटिव वर्ड, और साथ में लिखा हुआ जैसे कि एक्सियल पोजीशन से लीव्स की निकलती हैं, तो कंडेंस एक्सिलरी वेजिटेटिव वर्ड ही है। जैसे मैं पहले भी अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर आप डेफिनेशन सीन करेंगे तो उसमें मैंने बताया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वेजिटेटिव प्लांट पार्ट सच एज स्टेम रूट एंड लीव्स एंड मॉडिफाइड वेजिटेटिव पार्ट। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि मॉडिफाइड वेजिटेटिव पार्ट है बल्बिल, तो मुझे लगता है याद आ गया होगा। और जनरली एक्सिलरी वर्ड की फॉर्म में ये देखने को मिलेगी, लीव्स के एक्सियल पोजीशन से निकलती हुई दिखाई देगी। कुछ प्लांट्स में जैसे हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करें, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये स्टेम के बेस से निकलते हुए दिख जाएंगे। मोस्टली आपको जो फ्यूनेरिया, पॉलीफ्राइकम, स्पैगनम है जैसे कि टेरिडोफाइट्स हैं, उनके बेस से भी निकलते हुए आपको इस तरह के बल्बिल्स निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे। बट मैंने कहा जैसे कि अगर सीबीएसई वाले हैं तो जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, साइकस रिवोल्यूटा जैसे, और अगर साथ साथ आप टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल जैसे मैंने बोले स्पैगनम, फ्यूनेरिया, पॉलीफ्राइकम, इस तरह के एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। बट अगर आरबीएससी में बात करें तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, तो फिर हम यहाँ ओनली जिन प्लांट्स का जिक्र करेंगे वो एंजियोस्पर्मिक होने चाहिए। जो यहाँ कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए हैं वो है अगेओ कैंटाला, जिसको अगेओ कैंटाला को कंटाला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो एग्जाम्पल मेंशन किए हुए हैं, नाम मैंने पहले ही बताया हुआ, एक स्पीसीज डायोस्पोरिया साइनुटा बताई थी, यहाँ जो स्पीसीज है वो है डायोस्पोरिया बल्बिफेरा। इसके अलावा डायोस्पोरिया को याम या रतालू कहा जाता है। इसके अलावा ग्लोबा बल्बिफेरा है, यहाँ गलॉय जिसको कहा जाता है, गलॉय ग्लोबा बल्बिफेरा। इसके अलावा और एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ है जिनमें पहले भी जो इम्ब्रिकेटेड बल्ब या स्केली बल्ब नाम से एक टॉपिक आया था, वहां मैं लिलियम बल्बिफेरम का जिक्र कर चुका था, जिसे हम गार्डन लिली के नाम से भी जानते हैं, तो लिलियम बल्बिफेरम है जिसे लिली कहा जाता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल जो भी आपने पढ़ा, ऑक्सिलिस कॉर्निकुलेटा, जिसकी मैंने भी लीव्स दिखाई आपको, थ्री के बंच में आती है और लीव्स जो है वो हार्ट शेप होती है। इनमें जो टैप रूट है वो काफी फ्लैशी हो जाती है, और उस टैप रूट के ऊपर से ही आपको बहुत सारे जो है वेजिटेटिव जो प्रोपेग्यूल्स हैं बल्बिल वो निकलते हुए दिखाई देंगे। तो अभी आप डायग्राम सीन करेंगे, जिसे मैंने पहले ही बता दिया, ऑक्सिलिस कॉर्निकुलेटा खट्टी बूटी या वुड सॉरेल कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जैसे मैंने कहा कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्वोलन स्ट्रक्चर है, फूला हुआ है। फूला हुआ किस लिए है वो मैंने बताई दिया है, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड कंटेंट या कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने कहा लीफी हो सकता है, लीफी और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे आपको ऑक्सिलिस में आपको अगेव के अंदर ये लीफी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जबकि अगर मैं बात करूं डायोस्पोर या बल्बिफेरा पेरा तो ये आपको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल और भी है जिसमें एनानास कोमोसस
जो अनानास का फ्रूट है, पाइनएप्पल का जो फ्रूट है, उसके ऊपर जो हेयर स्ट्रक्चर निकलते हुए आपको जो दिखाई देते हैं वो भी बल्बिल्स ही हैं। जो पूरा फ्रूट है उसको सोरोसस कहा जाता है, और उसके ऊपर जो जो लीफी स्ट्रक्चर या लीफी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट आपको नजर आती है वो बल्बिल ही है। हाँ जी, अगर उस पार्ट को रिमूव करके हम अगर सोन कर दे बोदे और उसको वाटरिंग करते रहे प्लांट उस जो है उस बल्बिल को, तो उसमें से भी जो है न्यू प्लांटलेट अराइज हो सकता है, निकल सकता है नया प्लांटलेट। इनकी पोजीशन क्या है, कहाँ मौजूद होते हैं, जैसे कुछ मैंने बताया कुछ फ्रूट्स के ऊपर टर्मिनल रीजन पर भी मिल सकते हैं। जनरली जो देखने को मिलेंगे आपको ये जो लीफ है उसके एक्सियल पोजीशन से आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए हम इनको कह सकते हैं ऑक्सिलरी वेजिटेटिव बर्ड, ऑक्सिलरी वेजिटेटिव बर्ड है, या मैं कुछ इस तरह से कहूं कक्षस्थ कायिक कलिकाएं हैं, रूपांतरित कक्षस्थ कायिक कलिकाएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मैंने कहा कि बेस जो है मेन स्टेम का, मेन प्लांट का, उससे भी निकलते दिखाई देते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ जिम्नोस्पर्म्स में, और आपको मैंने कुछ टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल बताए वहां, और वो चीज आपको समझ में आई गई। गिव राइज न्यू प्लांटलेट अंडर फेवरेबल कंडीशन आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम मेन प्लांट, मेन प्लांट से जब ये जुदा हो जाएगा या सेपरेट हो जाएगा, तो जैसे ही वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल होंगी, या हाँ जी जो फेवरेबल अनफेवरेबल जो कंडीशन थी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी उनके हटने के बाद, और न्यू प्लांटलेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल आपको शायद अच्छे से समझ आ गए हैं, जो यहाँ 4-5 एग्जाम्पल जो लिखे हुए थे, उनके अलावा एक एग्जाम्पल मैंने और मेंशन किया, अनानास कोमोसस जिसे पाइनएप्पल कहा जाता है। एक बार फिर से मैं एग्जाम्पल बोल देता हूँ, अगेव कैंचाला डायोस्पोरिया बल्बिफेरा ग्लोबा बल्बिफेरा लिलियम बल्बिफेरम, और लास्ट एग्जाम्पल था ऑक्सिलिस कॉर्निकुलेटा। यहां जो है आपको 3 डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, डायग्राम ओरिजिनल है तो बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। तो मुझे लगता है बल्बिल ऑफ डायोस्पोरिया है, बल्बिल ऑफ डायोस्पोरिया है, जो जूम कर दिया है मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था। तो ये मेन स्टेम हो गया, ये लीफ हो गई, और जैसे कि दिखाई दे रहा है ये है बल्बिल, तो आपको ये मल्टी सेलुलर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और लीफ के एक्सिस से निकलता हुआ है, एक्सियल पोजीशन से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये डायग्राम है बुक के अंदर दिए हुए हैं कुछ कुछ इस तरह के, अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां भी आपको इस तरह के डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। ये ओरिजिनल है तो क्लियर समझ में आ रहा है, ये स्टेम हो गया, ये लीव्स हो गया, ये लीफ हो गई, और लीफ का जो एक्सियल पार्ट है वहां से आपको ये ग्लोबुलर मल्टी सेलुलर सोलन स्ट्रक्चर आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये इससे सेपरेट होता है और न्यू प्लांटलेट फिर से बना लेता है। अगर हम अब बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो ऑक्सिलिस का है डायग्राम, इसकी जो लीव्स हैं वो भी आपको दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ भी हर्ट शेप लगभग लगभग लीव्स हैं, और ये आपको दिखाई दे रही हैं कुछ कुछ, तो जैसे मैंने पहले एक सिंगल लीव्स दिखाई थी, तो ये हो गई इसकी लीव्स, और ये इसके स्टेम हो गए, जैसे मैंने कहा कि फ्लैशी होती है रूट, जो बल्बिल है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ये काफी सारे बल्बिल, ये डायग्राम इस तरह के डायग्राम आपको कुछ बुक्स के अंदर दिखाई देंगे, ये फ्लैशी रूट है और ये फ्लैशी रूट के ऊपर काफी सारे बल्बिल हैं, और ये उस पे से निकलते हुए स्टेम हैं, और स्टेम से फिर बाद में लीव्स निकलती हैं। तो गूगल से निकाले हुए हैं डायग्राम, इनमें काफी अच्छे से एडिट किए हुए हैं, लेबलिंग एडिट कर दी है, जैसे लीव्स है स्टेम है बल्बिल कहाँ है वो आपको क्लियर नजर आ रहे हैं, फ्लैशी रूट आपको ये जो है यहाँ भी मैं कहूँ फुल फी है, ट्यूबरस रूट आपको नजर आ रही है, बट यहाँ ट्यूबरस रूट के थ्रू मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं हो रहा, यहाँ जिसके थ्रू हो रहा है वो है बल्बिल। जैसे मैंने कहा कुछ लीफी स्ट्रक्चर भी हैं, अगेव कैंटाला के डायग्राम मैंने यहाँ लिया हुआ है बल्बिल का, अगर आप देखेंगे सीबीएसई में आपको इस तरह के डायग्राम देखने को मिल जाएंगे बल्बिल के, यही बल्बिल है सेम, और कुछ अगर आप बात करेंगे आगे तो हायर क्लासेस के अंदर आपको इस तरह के डायग्राम देखने को मिल जाएंगे, जहां स्टेम के ऊपर ही लगे हुए होते हैं
और स्टेम पे से ये फ्लोरल बर्ड्स भी निकली हुई है, और लीफ आपको ये लीफी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो है, इस पूरे को ही बल्बिल कहा जाता है। बल्बिल का जो बेस वाला पोर्शन है वहां से आपको ये एडवेंटिशियस रूट निकलते हुए नजर आ ही रही है। तो मुझे लगता है जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने जितना डिटेल में इसको टॉपिक को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को मैं क्लियर कर चुका हूं। आज हम नीट के जो प्रीवियस एग्जाम्स में टॉपिक था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस अब तक आए हैं हम उनकी यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप एक बार सीन कर लें, ऐसा नहीं है फर्स्ट चैप्टर काफी बड़ा रोल रखे हुए है नीट के अंदर, और बहुत बार नीट में फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चंस देखने को मिले। जनरली अगर आप देखेंगे तो हर एग्जाम में वन टू क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें 2013-14 की, तो 2014 में भी और 2013 में भी सेम क्वेश्चन जो है आया हुआ है एक बार। जैसा आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन और इसी तरह से 45 और 45 फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनिशियल जो क्वेश्चन आते हैं वो 90 वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के होते हैं, उसके बाद 91 to 180 तक के जो क्वेश्चन आते हैं बॉटनी और जूलॉजी के होंगे। हाँ जी, तो यहाँ 91st नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे लिखा हुआ है, ऑल्सो नीट 2013 में भी जो है आ चुका है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। तो चैप्टर फर्स्ट का जो है ये, बट टॉपिक चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही है, बट अगर हम टॉपिक की चर्चा करें तो अभी तक हमने ये टॉपिक टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें आइसोगैमी एनाइसोगैमी और उगैमी, ये मैं कुछ इस तरह से टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूं, आइसोगैमी एंड हेटेरोगैमी, हमने अभी इन जो है टॉपिक्स की चर्चा नहीं की है। जस्ट जो सीबीएसई वाले हैं, जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको ये टाइप्स देखने को मिलेंगे। मैं भी फिर भी आपको 11th की, अगर जिनको अच्छी नॉलेज है उनको शायद अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मैं सार्गेसम में बात करूं तो सार्गेसम एक तरह का ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी का मेंबर है सार्गेसम। सार्गेसम में जो गैमेट्स आपको देखने को मिलेंगे वो उगैमेट्स देखने को मिलते हैं। उगैमेट्स का मतलब यहाँ कुछ इस तरह से है, जो मेल गैमेट है वो साइज में छोटा होगा और उसमें फ्लैजिला होंगे और बाई फ्लैजिलेटेड होता है, और जबकि जो ओवम है वो नॉन मोटाइल है, मोबिल नहीं है और अपने प्लेस पे बना रहता है। हाँ जी, ऊगोनियम के अंदर बनता है, ऊगोनियम में ही बना रहता है और साइज इसका बड़ा होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ओवम। तो अगर हम यहां कहें तो इसमें अनाइसोगैमी ना, इसके अंदर आइसोगैमी देखने को नहीं मिलती, इनमें उगैमी देखने को मिलती है। अगर मैं चर्चा करूं एक्टोकार्पस की, तो एक्टोकार्पस में एनाइसोगैमी देखने को मिलती है। एनाइसोगैमी से मतलब यहां कुछ इस तरह से मान लें कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनका शेप, साइज और फिजियोलॉजिकल बिहेवियर वो तीनों ही, अगर मैं कहूं तो वो अगर आइडेंटिकल हैं तो आइसोगैमी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर एक्टोकार्पस की बात करूं तो यहाँ शेप जो है मेल एंड फीमेल गैमेट का वो तो आइडेंटिकल, यानी वो तो सिमिलर है, बट अगर हम वैसे चर्चा करें उनके साइज और फिजियोलॉजिकल बिहेवियर की तो वो मेल और फीमेल गैमेट के डिफर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक्टोकार्पस में एक मेल गैमेट है उसका साइज छोटा देखने को मिलता है और फीमेल गैमेट का साइज बड़ा देखने को मिलता है। दोनों में फ्लैजिला है, दोनों मोटाइल तो है बट एक फास्ट मूव करता है, जो छोटा वाला है मेल गैमेट फास्ट मूव करता है, बट जो लार्ज है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा है वो है फीमेल गैमेट। तो एक्टोकार्पस में अनाइसोगैमी देखने को मिलती है, यहां भी आइसोगैमी देखने को नहीं मिलती। अगर हम बात करें यूलोथ्रिक्स की तो यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमी देखने को मिलती है। यूलोथ्रिक्स में जो दोनों आपको गैमेट है वो मोबिल देखने को मिलेंगे, वो दोनों के अंदर ही फ्लैजिला देखने को मिलेंगे।
बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, बट अगर हम चर्चा करें तो क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स। तो अभी मैंने कहा कि यूलोथ्रिक्स में जो दोनों गैमेट मिलेंगे वो बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, इसका मतलब दो फ्लैजिला उनमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं स्पायरोगायरा के बारे में बात करूं तो स्पायरोगायरा में भी आइसोगैमी देखने को मिलती है, लेकिन हाँ जी दोनों का शेप साइज और फिजियोलॉजिकल बिहेवियर दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट का सेम होगा, बट यहां फ्लैजिला नहीं होता, तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट है। हम और चर्चा करें तो ये आपको नंबर पे ये क्वेश्चन और दिया हुआ, एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। तो कारा आप 11th के अंदर ही पढ़ के आ जाते हैं, ये भी जो है अभी हमारा टॉपिक आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे कारा में। तो अभी हमने इस टॉपिक की चर्चा भी नहीं की है, फिर भी मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूं कारा का, बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। आप एक साइड जो दिया हुआ है ये एक साइड, ये इसकी मेन प्लांट बॉडी है थैलस बॉडी, हाँ जी कारा एक तरह से एल्गी है, और जो ये मेन एक्सेस जो है स्टेम की तरह आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर नोड इंटरनोड्स जो है वो लगभग हम देखें तो लिमिटेड ग्रोथ के इंटरनोड्स आपको लगभग दिखाई दे रहे हैं, और रूट के जैसे राइजोइड इसके अंदर देखने को मिलते हैं, इसमें लीफ जैसी जो है स्केली यूनिट्स मौजूद हैं जिनको हम लेमिना कहते हैं। तो यहां थैलस बॉडी मौजूद है, यहां मेन जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक नहीं है, वो गैमेटोफिटिक है, और स्टेम रूट और लीव्स में डिवाइड नहीं होती। अगर हम चर्चा करें तो इसमें कई पार्ट जो है, हाँ जी कई ब्रांचेस के ऊपर आपको ये सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। तो ब्रॉड करके दिखाया हुआ है, एक जैसे ये मेन इंटरनोड दिखाया हुआ है, और इंटरनोड के ऊपर जो ये डिस्टिंक्ट जो पोर्शन है ये नोड्स हो गए, नोड के ऊपर जो है ये लेमिना जैसी जो है वो लेटरल्स लीव्स हैं, या हम इनको लेमिना कह सकते हैं, ये इसके भी लेमिना है यहाँ, हाँ जी लीव नहीं होती यहाँ। और हम अगर मेन चीज थी हमारे लिए सेक्स ऑर्गन, तो अगर ऊपर वाले इस वाले ब्लू वाले पोर्शन के बारे में बात करें तो इसे न्यूक्यूल कहा जाता है, न्यूक्यूल फीमेल ऑर्गन है, जिसे हम ओगोनिया या आर्चिगोनिया की तरह भी मान सकते हैं। फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, अपर जो पोजीशन पे मौजूद है वो न्यूक्यूल है, न्यूक्यूल फीमेल पोर्शन है जो ओवम बनाएगा। न्यूक्यूल को हम रिजेम्बलेंस दे सकते हैं या ओगोनियम या आर्चिगोनियम की तरह। अगर हम बॉटम वाले या हम लोअर वाले जो है पार्ट के बारे में बात करें तो ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये फीमेल, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये बॉटम में मौजूद है नीचे की तरफ, ये लोअर पार्ट में मौजूद है, और इसे हम एंथ्रीडियम भी कह सकते हैं। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, न्यूक्यूल अपर पार्ट पर है, न्यूक्यूल को ओगोनियम या आर्चिगोनियम भी कह सकते हैं, यही फीमेल पार्ट है, यहाँ ओवम बनाएगा। ये ग्लोब्यूल लोअर पार्ट पर मौजूद है, इसे हम मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह देखेंगे, यहाँ एंथ्रीडियम की तरह, और यहाँ स्पर्म या मैं कहूँ एंथ्रेजॉइड्स बनते हैं, हाँ जी जिनमें फ्लैजिला होता है उनको स्पर्म के जैसे हैं, और प्लांट्स के अंदर जो बनते हैं उन्हें मेल गैमेट्स या एंथ्रेजॉइड्स कहा जाता है। तो एक बार हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, जैसे क्वेश्चन था एक बार मैं फिर से रीड करता हूं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है विच वन ऑफ, हाँ जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा, कारा के बारे में रॉन्ग क्या है इसमें से। तो लिखा हुआ है अपर ओगोनियम, तो ओगोनियम आपने देखा सही है, ओगोनियम या न्यूक्यूल ऊपर दिखाई दे रहा था, एंड लोअर राउंडेड, राउंड जो शेप था स्फेरिकल जो शेप था वो एंथ्रीडियम का या मैं कहूँ ग्लोब्यूल का मौजूद था, सही है। तो ये बी जो है पॉइंट, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बॉडी, तो आपको दोनों ही एक ही प्लांट के ऊपर दिखाई दिए सेक्स ऑर्गन। इस तरह की जो फिनोमिना है इसे हम मोनोएशियस कंडीशन कहते हैं, जब प्लांट बॉडी सिमिलर है और उसी के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं।
हम कहें तो हम डायोशियस की कैटेगरी में आ जाएंगे फिर, क्योंकि मेल के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस मिलेगा और फीमेल के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी मिलती है। हाँ जी, प्राइमरी जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस और प्राइमरी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी। तो सी जो लिखा हुआ है ऑप्शन, अपर एंथ्रिडियम एंड लोअर लोअर यूगोनियम। तो अभी आपने देखा कि लोअर था एंथ्रिडियम या ग्लोब्यूल एंड जो अपर था वो था न्यूक्यूलिया यूगोनियम या आर्चियोनियम। तो ये वाला यहाँ रॉन्ग है, सी ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। और डी जो लिखा हुआ है, ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो आपको सभी को समझ में आ गया है। न्यूक्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट थी, जबकि हम बात करें तो ग्लोब्यूल मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव यूनिट है। हम और चर्चा करें और क्वेश्चन की, तो यहाँ जैसे ये सेकंड चैप्टर का है, ये भी सेकंड चैप्टर का है और फर्स्ट चैप्टर में से, हाँ जी, जो 102nd जो क्वेश्चन है वो आप उसको अच्छे से सीन करेंगे तो बहुत इजीली आप इसका जवाब दे सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ईडेबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, हाँ जी, ईडेबल का मतलब खाने वाला अंडरग्राउंड स्टेम। तो खाने वाला अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा है? इसमें हम अगर बात करें कैरेट के बारे में, तो कैरेट जिसे ड्यूकस कैरोटा भी कहा जाता है, कैरेट कॉनिकल रूट है, एक तरह की कॉनिकल टैप रूट है। ग्राउंड नट के बारे में बात करें तो एक तरह का जियोकार्पिक फ्रूट है, जियोकार्पिक जो अंडरग्राउंड बनता है, जो मैच्योर मैच्योरिटी जो गेन करेगा वो, हाँ जी, सॉइल के अंदर मैच्योरिटी गेन करता है। तो इसके फ्रूट्स लोमेंटम फ्रूट है और इसका मतलब ये स्टेम नहीं है ना ये रूट है, ये एक तरह का फ्रूट है जिसे लोमेंटम फ्रूट कहा जाता है। अब मैं बात करूं स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो जैसे आज आपने वीडियो में सीन किया, स्वीट पोटैटो टैप एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन था। तो ये भी जी ट्यूबरस रूट में हमने पढ़े, टैप रूट के मॉडिफिकेशन में मिराबिलिस चलापा और एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में स्वीट पोटैटो, तो ये भी अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है। जबकि ट्यूबर जो अगर प्रीवियस वीडियो आप सीन करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा हमने ट्यूबर किया था, अंडरग्राउंड स्टेम्स के मॉडिफिकेशन थे जहां हमने राइजोम कॉर्म ट्यूबर और बल्ब, तो ट्यूबर जो था वो पोटैटो था अंडरग्राउंड स्टेम टाइप, हाँ जी, वही जिसके ऊपर जर्मिनल आए आपको देखने को मिलेंगे। तो और हम अगर चर्चा करें नेक्स्ट, तो 2015 में अगर हम देखें तो ये आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं, हाँ जी, इस वाले पेज पर शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट पेज, तो ये आप देखें, हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन नहीं थे उस पर। अगर हम यहाँ बात करें तो दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर जो 118 है वो भी चैप्टर फर्स्ट से बिलोंग करता है, जहां लिखा हुआ है इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर थ्रू, अभी जैसे मैंने कहा राइजोम कॉर्म ट्यूबर और बल्ब, तो राइजोम में हमने जिंजिवर ऑफिसनेल जो है किया था, तो आपको शायद इजीली याद हो जाना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। 2016 में हम बात करें और बायोलॉजी के क्वेश्चन देखें, यहां जैसे सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन आए हुए हैं, फर्स्ट में इस वाले पेज पर कोई क्वेश्चन है नहीं, तो जी नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। तो ये देखें आप, क्वेश्चन नंबर है 114 जो चैप्टर फर्स्ट में से आया हुआ है और इजीली आप इसके बारे में बता सकते हैं। यहां लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट नॉट करेक्ट, Which one of the following statements? जितने स्टेटमेंट दिए हुए इनमें से कौन सा सही नहीं है, हाँ जी, करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें, इज नॉट करेक्ट। तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन, वो आप सभी जानते हैं जो स्टार्टिंग से वीडियो सीन कर रहे हैं उनको मालूम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली प्रोजेनी कहलाती है।
क्लोन प्रोजेनी, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है उन्हें कहा जाता है वेरिएंट प्रोजेनी। तो ये वाला सही है ऑप्शन। हम बी की चर्चा करें तो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। तो हाँ जी, हमने स्पोरुलेशन भी कर लिया है, इसमें हमने प्लैनोस्पोर्स या ज़ूस्पोर्स किए, जहां मैं पहले ही बता चुका हूं बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं और जनरली आपको ओवल शेप या बीन शेप देखने को मिलेंगे, और जहां फ्लेजिला देखने को मिलेंगे, मैंने बताया भी थे टू फ्लेजिला, विप्लैश और टेंसिल। हाँ जी, टेंसिल के अंदर जो है वो मैस्टिकोनिम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो विप्लैश है वो स्मूथ मिलता है, तो इन्हीं को जो स्पोर कहते हैं। तो सही है ये भी। सी ऑप्शन के बारे में चर्चा करें, इन पोटैटो बनाना एंड जिंजर। पोटैटो की चर्चा करें तो ट्यूबर हो गया, बनाना और जिंजर की चर्चा करें तो राइजोम हो गए। द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स, तो इंटरनोड्स से कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं निकलती इन द मॉडिफाइड स्टेम, जबकि जो एडवेंटिशियस बर्ड देखने को मिलेंगी वो नोड्स के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो ये वाला ऑप्शन यहां रॉन्ग है, सी। अगर हम डी के बारे में चर्चा करें, वाटर हाइसेंस जिसे आइकॉर्निक रेसिपीज टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, अभी आज के हमने वीडियो में इसके बारे में चर्चा की है। तो वाटर हाइसेंस ग्रोइंग इन स्टैंडिंग वाटर, जैसे मैंने कहा कि ये स्टैग्नेंट वाटर में या ठहरे हुए पानी में देखने को मिलता है। हाँ जी, तो यहां सही है ये चीज। और ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और वाटर से जो है ऑक्सीजन वो है ले लेता है रेस्पिरेशन में, दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। जैसे मैंने बताया जो टेरर ऑफ बंगाल इसीलिए बोला जाता है, जो बीओडी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जाएगी क्योंकि O2 वाटर में कम होती जाती है, इसीलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो हाँ जी, जो एक्वेटिक लाइफ है वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी सही है, सी वाला रॉन्ग था यहाँ। क्वेश्चन नंबर हम 15 की चर्चा करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैमेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन। हाँ जी, अब वेरिएशन अगर कोई पूछे किससे आती है तो एक मेन चीज तो हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ जी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा, तो इससे वेरिएशन नहीं आएगी। पार्थेनोजेनेसिस की हम आगे चर्चा करेंगे सीबीएसई में, जो लगभग लास्ट टॉपिक होगा वो पार्थेनोजेनेसिस होगा, जहां केवल फीमेल का जो ओवम है या एग है, अनफर्टिलाइज्ड जो एग है वही जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है, वही एम्ब्रो बनाता है। तो प्रोसीजर है पार्थेनोजेनेसिस, तो यहां भी केवल फीमेल के ही कैरेक्टर आएंगे और हैप्लोइड होगी प्रोजेनी, जिसे पार्थेनोट कहा जाएगा। तो ये भी रॉन्ग हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप सभी जानते हैं, जहां मेल और फीमेल दोनों के ट्रेट्स जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के थ्रू नई प्रोजेनी देखने को मिलती है, तो ये वेरिएशन लाता है। तो सी वाला सही था। ऑप्शन है डी, न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रोनी। तो अभी हम पॉलीएम्ब्रोनी की चर्चा करेंगे बाद में, फिर भी मैंने अगेमोस्पर्मी एक टॉपिक आया था, वहां भी मैंने बताया शायद जो इंटेग्यूमेंट्स हैं और जो न्यूसिलस है उनकी जो स्पोरोफिटिक सेल्स हैं, अगर वो ही एम्ब्रो एक्स्ट्रा एम्ब्रो बनने में पार्टिसिपेट करेंगी तो प्रोसीजर पॉलीएम्ब्रोनी कहलाएगा, बट वहां जो बनने वाली ऑफस्प्रिंग होंगी वो डिप्लॉयड होंगी। हाँ जी, क्योंकि जो न्यूसिलस है उसकी जो न्यूसिलर सेल्स हैं वो भी डिप्लॉयड होती हैं, और जो इंटेग्यूमेंट है उसकी इंटेग्यूमेंट्री सेल भी डिप्लॉयड आपको देखने को मिलती है। तो यहां भी जो है वेरिएशन नहीं आएगी, क्योंकि यहां भी ओव्यूल केवल फीमेल का पोर्शन ही जो है वो काम कर रहा है, यहां मेल पार्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हम और चर्चा करें तो क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट चैप्टर का हम देख लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन यहां नहीं है। हम बात करें नेक्स्ट 2018 का पेपर है नीट का, जिसमें क्वेश्चन नंबर जिस पेज में तो कोई फर्स्ट चैप्टर में से आया हुआ है नहीं,
इसमें से भी कोई नहीं है। हाँ जी, तो हाँ ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ स्पैन ए लाइफ टाइम। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हिंदी में भी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है? तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैंने कहा आने वाला है, तो वहां आपको इस तरह के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जहां मोनोकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट, सीजनल ब्रीडर्स, कंटिन्यूस ब्रीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मोनोकार्पिक प्लांट का एग्जाम्पल यहाँ आपको चूज करना है, जिसमें दो एग्जाम्पल हैं एंटीक। इसमें एक है स्ट्रोबिलेंथस पुंथियाना, जो 12 इयर्स में ओनली वन टाइम जो है फ्लावरिंग करता है अपने लाइफ साइकिल के अंदर, तो वो आता है यहाँ। और इसके अलावा जो है एनुअल प्लांट्स हैं काफी सारे, जिनमें ट्रिटिकम एस्टियम, ओराइजिस अटाइवा, ये आते हैं। साथ साथ कुछ बाईएनियल प्लांट्स हैं जो 2 इयर्स में ओनली वन बार जो है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे, जिसमें कैलेंडुला ऑफ स्नेल जैसे, और टेजाइट्स इरेक्टा जिसको हजारा या मैक्सिकन मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। तो इनके अलावा बैम्बूसा वल्गैरिस, बैम्बूसा की और भी स्पीसीज है, बैम्बूसा टुल्डा, कुछ सॉलिड थॉर्न बैम्बू भी हैं, जनरली बैम्बू होलो आते हैं, तो जिसका नाम है डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस। तो डेंड्रोकैलमस के अंदर जो है आपको और जो मैंने नाम बोले बैम्बूसा वल्गैरिस, बैम्बूसा टुल्डा, इनमें आपको लाइफ स्पैन में 50 to 100 ईयर के अंदर, 50 to 100 ईयर में ओनली वंस एक ही बार जो है ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा, तो बैम्बूसा इसके अंदर आएगा। इसके अलावा एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। ऑप्शन लिखा हुआ है मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, तो परिनियल प्लांट है, पॉलीकार्पिक है, हर साल आपको पता है इसमें फ्लावरिंग होती है, कई बार दो साल में भी एक बार फ्लावरिंग देखने को मिलती है कुछ मैंगो की स्पीसीज में। जैक फ्रूट है, इसे अर्टोकार्पस भी कहते हैं, अर्टोकार्पस हेटेरोफिलस, तो कटहल है कटहल जैक फ्रूट, तो इसमें भी हर साल जो है फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है। बैम्बू स्पीसीज तो थर्ड यहाँ ऑप्शन है, वो मैंने बताई दिया, बैम्बूसा वल्गैरिस आप लिख सकते हैं। पपाया है, कैरिका पपाया, तो जनरली कैरिका पपाया में भी जो है आपको देखने को मिल जाएगी ऑफस्प्रिंग हर साल, फ्रूटनिंग और फ्लावरिंग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 108 नंबर पर, ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो ऑफसेट्स किस तरह प्रोड्यूस होती हैं? तो ऑप्शन लिखे हुए हैं, वन पार्थेनोकार्पी, तो पार्थेनोकार्पी प्रोसीजर है जहां विदाउट फर्टिलाइजेशन कार्प बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, प्रोसीजर कहलाता है पार्थेनोकार्पी, तो कोई रिलेशन नहीं है ऑफसेट से इसका। सेकंड हम बात करें माइटोसिस डिवीजन, तो आप सभी को पता है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है ऑफसेट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर जो सब अंडरग्राउंड स्टेम थे वहां हमने इसको रीड किया है ऑफसेट को, 8th नंबर पर, मैं कहूँ 4th नंबर पर। हाँ जी, आज जो हमने वीडियो बनाया है उसी के अंदर जो है रनर सकर स्टोलन ऑफसेट में हमने इसको डाला हुआ है, तो माइटोटिक डिवीजन यहाँ करेक्ट बैठेगा। मियोटिक, तो मियोटिक डिवीजन चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये भी यहाँ नहीं बैठेगा आंसर। पार्थेनोजेनेसिस, तो वो मैंने बता ही दिया, केवल फीमेल यहाँ पार्टिसिपेट करती है, यहाँ जो पार्थेनोजेनेसिस जो प्रोसीजर है वहां जो अनफर्टिलाइज जो एग है वही जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो बी, या मैं कहूँ सेकेंड जो आंसर था वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा तो इन पेजेस पे भी जो है चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। और ये 129 नंबर पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वीट पोटैटो, हाँ जी, जो आज आपने कर लिया है और मुझे लगता है इजीली आप आंसर दे सकते हैं। कुछ बच्चे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ शकरकंद किसका रूपांतरण है, कुछ बच्चे मूसला मूल यानी कि टैप रूट पे जो है टिक करके आए हैं,
बट आप जो है इजीली आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। यहां एडवेंटिशियस जो रूट है वो है इसका सही आंसर, बाकी टैप रूट है नहीं, स्टेम है नहीं स्वीट पोटैटो, और राइजोम है नहीं। तो आज के लिए सफिशियंट है, जितने थे क्वेश्चन जो 2018 तक आए हैं नीट में उनसे मैंने आपको अवगत करवा दिया है। आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ, थैंक यू सो सो मच।